अहमद आपके पास ऐसा क्या टैलेंट है जो आप कर सकते हो? मैं ढिडा दा बाट पा सकना। वाह जी वाह, क्या बात है यार। अगर आप में से कोई बंदा ऐसे ढिडों के बाट पा सकता है तो मैं जनाब वाला उसको 1000 रुपया नगद इनाम दूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज है 10 मुहर्रम अल हराम। सो सीन जा रही है कि खत्म दवाना था ना, तो इसके लिए मैं जलेबियां लेने जा रहा हूँ यार। चलते हैं फिर जलेबियों वाली दुकान पे जाके खरीदते हैं, देखते हैं रेट क्या मिलता है हमें। तो यार जलेबियाँ जो है ना वो हमने ला के वंड दी हैं। फाइनली जलेबियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। 2 किलो जलेबियाँ थी 400 रुपये किलो, तो वो फिनिश हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। बाकी ये उमर भाई की काम चेक कर सकते हैं, ये भी लगे हुए हैं काम, देखें ना कर रहे हैं, चावल बांट रहे हैं ये भी माशाल्लाह। सो इधर तो हमारा जो है ना ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है, उमर भाई का भी काम डन हो चुका है, वो देखें पीछे चंडी चंडी कर रहे हैं। और हमारी जलेबियाँ भी वो फिनिश हो चुकी हैं, इनके चावल भी फिनिश हो चुके हैं। अब मेला उधर चल रहा है, वो दरबार आप देख सकते हैं। तो क्वाली जाके सुनते हैं, क्वाली नाइट विद उमर भाई। अब आसम साहब हम कहाँ जा रहे हैं? आइसक्रीम खाने भाई। चलते हैं फिर आइसक्रीम खाने भाई। ये आ गई है हमारी शॉप, ये आइसक्रीम वाली शॉप आ गई है, फिर इधर करते हैं। दिखाओ यार कौन आ गई है। हेलो जी, तो वी आर बैक विद अनदर डे। सो यार आज का सीन ये है कि आज हम अहमद भाई के मदरसे में जा रहे हैं। आपको बताता हूँ क्या लेने जा रहे हैं। तो हम अहमद भाई के मदरसे में यार सफ़ों को पोड़ लेने जा रहे हैं। वो अबरिश को नहलाना है ना, उसको एलर्जी हो गई है बहुत ज़्यादा जो है ना गंदी वाली, तो उससे उनको नहाना है, तो गर्म पानी के साथ नहाना है ना। तो वो ये मदरसा उनका आ चुका है, ये मदरसा आ चुका है। चलते हैं फिर अंदर यार, जाके सफ़ा वगैरह देखते हैं। सो यार हमारे साथ प्रैंक हो गया है, देख सकते हैं मदरसा बंद है, बाहर से कुंडी लगी हुई है, तो बिना इजाज़त के हम अंदर एंटर भी नहीं ना हो सकते हैं। जानवर देखिए कितना प्यारा है यार, माशाल्लाह क्या क्या कुदरत है यार। देख लें आप, इसको क्या कहते हैं बबली? अहमद हैं, तीतर कहते हैं। ये तीतर है यार, ये देखें तीतर है। सो यार हमारे साथ प्रैंक हो गया है, मदरसा बंद है। इसको अहमद को आज छुट्टी थी, तो वो मुझे बता भी रहा था कि यार छुट्टी है आज, सारे बच्चों की छुट्टी है। तो मैंने कहा यार देख आते हैं मदरसे में जाके, पता चल जाएगा। तो सारा मदरसा बंद है, आपको कुंडी में भी मैंने दिखा दी है। अब बिना इजाज़त के अंदर एंटर भी नहीं ना हो सकते यार, वो कौन सा हमारी मलकियत है। तो चलें कल चलेंगे, कल फिर चलेंगे, कल मदरसा ओपन होगा फिर कल चलेंगे। सो यार हमारे चैनल को सरप्राइज भी कर दिया करें आप, क्योंकि सरप्राइज अगर करेंगे तो फिर ही हम वीडियो बनाया करेंगे, के नहीं बबली जी भाई। सो अब कहाँ जा रहे हैं हम? हम शाह जी के पास जा रहे हैं। सो यार शाह जी के पास जा रहे हैं, वहाँ से कोई कपड़ा लेने जा रहे हैं। ये अबरिश का मुंह आप देख सकते हैं। सो इसका मुंह देख सकते हैं यार, आंखें भी सही तरीके से नहीं खोल लिया है, तो पूरे मुंह पे एलर्जी हो गई हुई है। तो चलते हैं फिर लेने, वहाँ जाके आपको मिलते हैं। हाँ जी, तो यार आ गए हैं, गाड़ी को मैंने पार्क कर दी है, कमीज मिली है, तो अब इसको अब नहला के तो उसके ऊपर दे देंगे। सो यार हम जो है ना आ गए हैं घर, आ गए हैं वापिस। तो अहमद आपके पास ऐसा क्या टैलेंट है जो आप कर सकते हो? मैं ढिडों के वट पा सकना। जी अहमद भाई कह रहे हैं कि मैं ढिडों के वट पा सकता हूँ, वो कैसे पढ़ते हैं? ऐसे दिखाओ। वाह जी वाह, क्या बात है यार, ये तो बड़ा इंटरनेशनल टैलेंट है यार। दिखाओ आसिम, मुझे दिखाओ, ये कहाँ से आपने सीखा? मैंने जब पैदाशी है ना, तो ये आपने मतलब आपको पता कैसे चला कि आप ढिडों के वट पा सकते हो? मेरे पेट में वट थे इसलिए मैंने ऐसे किया, तो मेरे ढिड में वट पड़ गए। तो यार बबली की जो आपने बातें हैं वो तो सुन ली होगी, और ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना हमें कंटेंट भी मिल गया है कि जनाबे अल्लाह इसको वट पड़ते हैं। तो अगर आप में से कोई बंदा ऐसे ढिडों के वट पा सकता है तो मैं जनाबे अल्लाह उसको 1000 रुपया नगद इनाम दूंगा। चलो जी, चैलेंज हो गया, बिग चैलेंज हो गया, नगद 1000 रुपया इनाम मिलेगा उस बंदे को जो ऐसे मतलब ऐसा टैलेंट दिखाएगा। अब मैं कह नहीं सकता, जो भी है आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो अगर कोई ऐसा बंदा हो जो ऐसा कर सकता हो तो वो करे, 1000 रुपया नगद इनाम ले, मेरे साथ ड्यूट करे, वीडियो बनाए। ठीक है आसम भाई, ठीक है बबली, मैंने चैलेंज दे दिया ऑडियंस को, ठीक है ना? तो 1000 रुपया दे देंगे उनको, ठीक है। तो जे अगर किसी ने ना किया तो फिर वो भी दसो ना, वो हमको 1000 रुपया जी, वो इसको 1000 देंगे। हाँ इसका बनता भी है 1000, देखें यार कैसी इसकी लुक बन रही है। सो यार ये हमारा माइक है, उस दिन नहीं था चला जब मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी ना, इसकी जब मैंने अनबॉक्सिंग की थी। अब आप इसकी आवाज़ देख सकते हैं कितनी क्लियर है। सो 500 का यार हमें मिला माइक, तो 500 में तो इतना ही आता है ना। अब इंशाल्लाह अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, फर्स्ट इनकम आएगी इंशाल्लाह 10-12 हज़ार वाला माइक भी ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं। अभी मैंने स्टार्ट करने के लिए वीडियो ये माइक खरीदा है, तो मुझे तो अच्छा लगा 500
में 500 पूरा हो गया इसका, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो यार बबली का टैलेंट भी आप लोगों ने देख लिया, अभी भी आप इसको लाइक शेयर कमेंट ना करें तो फिर तो यार बुरा लगता है ना, इतनी एफर्ट करते हैं। अभी उसमें एक दो और भी टैलेंट है, वो आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा, एक वीडियो में तो नहीं ना सारा कॉन्टेंट निकाल देना। तो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, मुझे दीजिएगा इस प्यारे से मौसम के साथ इजाज़त, प्यारा नहीं है धूप ही निकली हुई है, मैंने प्यारा कह दिया। तो मैं भी लोग आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, ओके अल्लाह हाफिज़।